हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए, सुबह का टाइम है और अभी नल में पानी आया है, तो वही मैं आप सबको दिखा रही थी कि मेरे सासू माँ नल में पानी आया था तो पाइप लगा दिए थे डेगची उगची में। तो उसके बाद में मेरे हस्बैंड को बोलेंगे कि मोटर लगाने के लिए, मोटर बिना पानी बिल्कुल नहीं आता है। जैसे टंकी हुआ, बड़ा ड्राम उराम हुआ ना, तो पानी नहीं चढ़ता है, तो इसीलिए ऐसे ही भरना पड़ता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इसे देखिए, आज इसको मैं गया बहाना करके पेट खराब का, ऐसे ही होता है। एक दो दिन जाएंगे, उसके बाद में बहाना करके कुछ ना कुछ घर में रह जाएंगे। हाँ सर, बोलने से इसे देखिए ये क्या खा रहा है। इसका भी आंगनबाड़ी जाने के टाइम में इसका भी तबीयत खराब हो जाता है। ये बहुत बदमाश है, लेकिन पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है। इस बार फर्स्ट हुआ है, मतलब हर साल ही फर्स्ट होता है, और लेकिन बदमाशी में बहुत आगे है। तो इनका ड्राम में पानी भर के रख दिए थे सासू माँ, तो ये लेने आए हैं। और हम लोग मोटर लगाए हैं, मोटर लगा के टंकी में लगा दिए पानी। तो यहाँ पे मैं चीला बनाने आ गई हूँ। तो अभी बच्चे चला गया है, मेरा छोटा बेटा आंगनबाड़ी गया, तो देव उसको छोड़ने गया है। उन लोग नाश्ता कर लिए थे, इडली लेके आया था, खा लिया था। तो और ये अभी मैं चीला बना रही हूँ जो मेरी सासू माँ और मेरे लिए है, तो अभी ये बना लूँगी। और मुझसे कढ़ाई में ही अच्छा बनता है, लेकिन सब सोचते होंगे कि कढ़ाई में बना रही है, तवा में नहीं बनाती, लेकिन मुझसे कढ़ाई में ही अच्छा बनता है। लेकिन ये देखिए, निकालने टाइम थोड़ा सा टूट गया था पहला वाला, है ना, उसके बाद बहुत अच्छा बना था सब। तो ये खाने में भी अच्छा लगता है, सिर्फ चावल का जो पाउडर होता है उसी से बनाती हूँ, कुछ अलग नहीं डालती हूँ। तो ये देखिए कितना मस्त बना है पूरा। और यहाँ पे देखिए, मैं चादर धोई हूँ और सोच रही हूँ बारिश हो जाएगा तो सूखेगा भी नहीं, लेकिन सही में मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ऐसे भी बारिश स्टार्ट हो ही जाता है तो कपड़ा उपड़ा सब हटाना पड़ता है, हमेशा कई आदत होता है। तो यहाँ पे कुछ कपड़ा था हस्बैंड का, तो इसको मैं सर्फ में डुबा दूँगी, बाद में धोऊँगी। थोड़ा गंदा है ना, तो थोड़ा टाइम तक के लिए भिगा के रखूँगी सर्फ में, तो ठीक रहेगा, तुरंत धोने से सफ़ा नहीं होता है, तो इसको मैं बाद में धोऊँगी। और हाँ फ्रेंड, आप लोग मेरी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, और मुझे अच्छा भी लगेगा। अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगता है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। तो चलिए, ब्लॉग को पूरा इंजॉय कीजिए। और मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे ना, डेली वाला काम ही तो है, तो घर वाला डेली का काम ही दिखाऊंगी, तो इससे तो आप बोर ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, बारिश स्टार्ट हो चुका था, तो मैं कपड़ा जो चादर दिखा रही थी ना, तो उठा दी थी। तो यहाँ आज खाने में मच्छी बना रही हूँ, तो मच्छी जो कल जो मेरे हस्बैंड धो रहे थे ना, उसी को भूज के रखे थे, लेकिन इस अभी बनाने के टाइम और एक बार गर्म कर लेते हैं। तो आज इतना ही सिंपल है, और आलू सिझाई थी तो आलू का चोखा बनेगा बस। तो अभी देखिए, बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। दोबारा मेरा जो कपड़ा सब था वो बाद में सुखाई थी, और हस्बैंड का भी कपड़ा जो धोई थी उसको देखी, अभी कितना बारिश हो रहा था, इसको छाता लेके निकल पड़ रहा, पता नहीं कहाँ जाएगा छाता लेके। तो इसका यही हाल है, छाता मिल जाए ना तो यही मस्ती होता है। तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और मेरा खाना बन चुका है, तो अभी हम लोग खाना नहीं खाए हैं, थोड़ा देरी में खाएँगे, बारिश छूटेगा तो खाएँगे। मेरे सासू माँ अपने घर तरफ उस साइड में है, तो अभी आएँगे तो खाना वाना खाएँगे हम लोग। तो आज का ब्लॉग बस यहीं एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए बहुत ज़्यादा। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और उसे देखिए, पीछे नाच रहा है, बहुत मास है। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।